के फाइनली सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह में हम उठ गए, फ्रेश फ्रेश हो चुका है एंड चाय पीनी बाकी है, तो पहले चाय पी लेते हैं। को बहुत सारी बारिश आई थी तो पानी भर चुका है एंड यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर तो बारिश वाला मौसम है, पानी तो सब जगह भर चुका है। तो अभी सुबह की ऑलमोस्ट जो काम है भैंसों का वो कम्प्लीटली ख़त्म हो ही चुका है, उसको खाने के लिए दे ही दिया है। तो फिलहाल तो चलते हैं घर की ओर। अभी तो अभी हम जाने वाले हैं तुषार नाश्ता को लेने के लिए, तो फिलहाल वो निकल चुके हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा, आगे जाके लेके वापस आते हैं। बस अभी हम निकल चुके हैं आस्था एंड तुषार दोनों को लेने के लिए, वो धारपुर है तो उंझा गई थी तो उसको अभी लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी हम निकल चुके हैं तो चलते हैं। More than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. फाइनली हम पहुंच तो चुके हैं, अभी वेट करते हैं आस्था एंड तुषार की, तो वो गाड़ी में जब भी उतरेगी तो हम उसे पिकअप कर लेंगे। फिलहाल तो यहीं पर वेट करते हैं। चुके हैं उस वाली गाड़ी में है वो कि शायद आ ही चुके फाइनली, ये आ चुके हैं। लो पीछे कोई गाड़ी आ रही है, तो चलो आ ही चुके। तो गाइस फाइनली आस्था एंड तुषार आ चुके हैं, तो फिलहाल तो अब चलते हैं घर पे। More than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. Guys, finally घर पे तो आ चुके हैं। रास्ते में पानी तो इतना भरा हुआ है क्योंकि आज सुबह सुबह में ही बारिश आ चुकी थी एंड अभी तक वेदर तो देखो कुछ इस तरह का है, बारिश वाला ही पोज है। तो आज मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, पानी तो देखो। अभी हम घर पे तो आ ही चुके हैं फाइनली। तुषार सब कुछ घर में सेट कर रही है एंड सफाई भी कर रही है घर की। तो फिलहाल तो बाहर तो बहुत ही कचरा कूड़ा वगैरह पड़ा है, तो एंड तुषार वहाँ पर आस्था खेल रही वहाँ पर सामने ही बाहर, तो ये खेल रही है एंड अभी तुषार कर रही घर की सफाई। फाइनली हमारा रसोड़ा में आ चुके हैं एंड यहाँ पर चूल्हे पे ही बनता है सब कुछ खाने के लिए। गांव में तो कुछ इस तरह के सभी लोग बनाते हैं और कुछ चूल्हे पर ही बनता है, तो यहाँ पर हो रही है तो रोटी, तो जानू अभी बना रही है जो कि दोपहर की है, तो अभी अभी बना रही है। तो अभी टाइम हुआ है 11:10, तो अभी हमारी रोटी हो रही है रेडी एंड सब्जी तो हो ही चुकी है, तो खाना भी हमारा रेडी हो चुका है, लंच रेडी है एंड आशु वहाँ पर तुषार
आशु वहाँ पर सो रही है, तो अभी सब खाने के लिए बैठेंगे, तो आशु को भी बिठाएंगे हम साथ में, तो खाना कंप्लीट कर लेते हैं। खाने में रोटी और ये सब है, तो खाना कंप्लीट कर लेते हैं। एंड आशु भी आ चुकी है, त्रुषा भी आ चुकी है, सब लोग साथ में ही बैठने वाले हैं खाने के। तो आज तो सभी लोग साथ में ही हैं, जानू है, आशु है, त्रुषा है, कल तो हम अकेले थे, तो आज तो सभी लोग आ ही चुके फाइनली। हम आ गए थे खेत में और यहाँ तो देखो पानी इतना भर चुका है क्योंकि रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, सभी जगह पर पानी पानी, मैं तो पानी में ही चलता जा रहा हूँ। देखो इतना मस्त पानी भरा हुआ, वो भी ठंडा ठंडा, पैरों में तो बहुत ही अच्छा लगता है ठंडे ठंडे। वाह, यह तो पूरा खेत भरा ही हुआ है पानी से, चारों ओर खेत ही खेत, बाकी कोई दिख नहीं रहा है। एंड मस्त जानवर उड़ रहे हैं और धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है क्योंकि अभी अभी सन बाहर ही आया है, तो इसलिए ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो बादल देखो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वहाँ से, तो बाकी मस्त व्यू आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे खेत में। फाइनली घर पे आ चुके हैं एंड सब्जी की कटिंग हो रही है, जो कि बैंगन है एंड ये क्या है फ्लावर। तो अभी सब्जी कटिंग कर रही है जानू, आटा भी गूंद दिया है एंड यहाँ पर सब्जी रेडी हो रही है। आशु बिल्कुल आ चुकी है बीच में। आशु क्या ढूंढ रही हो? आशु गुड़ गुड़ खाना है आशु को, आशु को गुड़ खाना है तो वो ढूंढ रही है। तो आपको मिल गया? नहीं मिला तो यहाँ इधर क्यों चढ़ गए? यहाँ पर पड़ा है, तो ये ढूंढ रही है गुड़, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो मैं गुड़ देता हूँ मैं, क्योंकि खेल के आई है तो अभी बहुत भूखी हो गई है। मुझे केला खाना है, केले खाने हैं? तो गाइस आशु बोल रही मुझे केले खाने हैं, तो ये तो बाहर चली गई कि आशु ने केले केले तो निकाल ही दिए। केले बोलते हैं ना? हाँ, केले केले ही। नहीं मुझे नहीं खाना। खाओ, खाओ। नहीं 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 मुझे नहीं खाना। खाओ, खाओ। नहीं नहीं खाओ। मुझे तो नहीं अच्छा लगता। खाओ। अरे तेरी मम को दे, हाँ जानू को दे दो। आशु कैसे लगी केले? कौन लाया था? तू नहीं बोलते, तुम बोलते हो, तुम और मम्मी लाए थे। अभी आशु केले खा रही, केले का मजा ले रही है, तो चलो दूध देते हैं। तो अभी हमारी आशु रोटी बना रही है। वाह आशु क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो आशु? आशु बोलती नहीं है भाई कि रोटी बना रही, एंड त्रिशा का खाने में लगी हुई है, अभी ये खाने में लगी हुई है। खाना कंप्लीट कर लिया है एंड आशु यहाँ पर खाने के लिए सो गई है खाने के बाद। एंड यहाँ पर जो हमारा, तो अभी हम जानू ने सब तो कर दिया है सबको, तो खाना कंप्लीट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ बैठ के ही खाना कर ले कंप्लीट करते हैं। आशु त्रिशा ने खाना खा लिया है, अभी आशु को मिला तो अभी खाना खा लेते हैं। रात के बजे 9 एंड फिलहाल तो सब खाना बना हो चुका है एंड अभी हम करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप पसंद आया होगा तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।